दोस्तों, पैसे खर्च करके अपने घर को सजाना या फिर गार्डनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने घर से निकलने वाले वेस्ट को मैनेज करके गार्डनिंग करना या फिर अपने घर को सजाना बहुत बड़ी बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई चीज़ों पर लगाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने स्टैंड बनाया हुआ है, ये बना है जो वाटर केन आते हैं बड़े वाले 20-20 लीटर के, उनमें जो नीचे का हिस्सा है उसको मैंने कट करके उसमें छत में अपने सब्जियों के प्लांट ग्रो करे हुए हैं। और जो ये ऊपर का हिस्सा होता है, ये दो जो ऊपर के हिस्से हैं इनको मैंने चिपका के ये स्टैंड बनाया हुआ है, और इसमें लगाई है मैंने टर्टल वाइन। ये जो स्टैंड है मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये देखिए दोस्तों, ये एक प्लास्टिक की बॉटल है, इसके बाहर से मैंने जो भी प्लास्टिक की चम्मचें होती हैं उनको चिपका के ये पॉट बनाया है, और इसमें लगाई है मैंने पर्पल हार्ट, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, जो भी हमारे घर में मिठाई के या फिर रसमलाई के इस तरीके की छोटे छोटे से पॉट से आते हैं, इनमें भी मैंने प्लांट ग्रो किए हुए हैं। और देखिए दोस्तों, ये है नारियल के बाहर का कवर, इसमें भी मैंने प्लांट ग्रो किया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटी सी मटकी है, इसमें मैंने बाहर से पुट्टी लगा के उसमें कलर करके इसको इस तरीके का लुक दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये एक पुराना मिक्सी का जार है, और ये सारी की सारी बॉटल्स मेरी शैम्पू की बॉटल्स हैं, और इनमें भी सारे के सारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये हैं प्लास्टिक के डब्बे, इनको मैंने बाहर से कवर किया हुआ है जो भी हमारे घर में वेस्ट कपड़े होते हैं उनसे। और ये देखिए, ये एक ऑयल केन है, इसमें मैंने हट जोड़ लगाया है, और बहुत अच्छे से इसमें ये प्लांट सारे के सारे चल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये भी शैम्पू की बॉटल है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और इसमें भी मैंने टर्टल वाइन लगाई हुई है। टर्टल वाइन को आप कहीं पर भी लगा दें, वो हर जगह सुंदर दिखती है। और ये हैं छोटे छोटे से आइसक्रीम के कुल्लड़, इनमें भी सब में मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आप छोटी से छोटी जगह पे लगाते हैं तो वहीं पे वो ग्रो हो जाते हैं। ये भी एक प्लास्टिक का डब्बा है, नीचे के डब्बे में नीचे साइड में मैंने कुछ और प्लांट लगाया है, और ऊपर मैंने लगा दी हैं ये कटिंग्स। और देखिए दोस्तों, ये मैंने रूम में रखी है एक मटकी जिसमें मैंने कलर किया हुआ है। और जो भी मेरे हैंगिंग प्लांट बाहर रखे हुए रहते हैं उनको मैं एक एक दो दो के दिन के लिए इस तरीके से अंदर ला के इस मटकी में रख देती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको पॉट दिखाया था जिसमें मेरा हट जोड़ का प्लांट लगा हुआ था, ये उसी के ऊपर का हिस्सा है, इसमें मैंने टर्टल वाइन लगा दी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है मेरा ये पॉट। और इसके नीचे मैंने हैंग की हुई हैं जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उनको मैंने आधा आधा कट करके इनमें भी मैंने प्लांट लगा के इनको इस तरीके से हैंग कर दिया है। और जितने भी हमारे घर में कप होते हैं जिनके हैंडल टूट जाते हैं या फिर क्रैक हो जाते हैं, इनमें भी हम प्लांट लगा सकते हैं। और जितने भी ये कप हैं इनमें होल्स नहीं हैं, बिना होल्स के ही ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और प्लास्टिक की बॉटल के साथ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत टाइप से आप उनमें डिजाइन बना सकते हैं। और घर में इस तरीके के जो प्लास्टिक के डब्बे हैं, चाहे बॉर्नविटा लाएँ या फिर आप बाज़ार से अचार लाते हैं, कुछ ना कुछ के आते ही रहते हैं। मैंने तो प्लांट जो हमारे घर में ये बर्तन साफ़ करने के साबुन के डब्बे आते हैं इनमें भी लगाए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे, कोई बर्तन बार का डब्बा है, कोई विम बार का डब्बा है, सब में प्लांट लगाए हुए हैं, और सारे के सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए, इस वाले डब्बे में तो मैंने तीन तीन प्लांट लगाए हैं, और तीनों प्लांट मेरे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं वो किसी ना किसी रूप में तो हमारे घर में आती ही हैं, तो उनको वेस्ट फेंकने से अच्छा है आप उनमें कुछ ना कुछ लगाइए। आप उसके ऊपरी हिस्से में भी कुछ लगा सकते हैं, और जो निचला हिस्सा है उसमें भी आप कुछ लगा सकते हैं। देखिए, और साथ ही जब हम मार्केट से कोई चीज़ लाते हैं खाने की, तो उसमें इस तरीके के ये डब्बे आते हैं, तो इनको भी वेस्ट मत फेंकिए, इनमें भी प्लांट लगाइए। ये देखिए, मॉस रोज लगाई है, कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये 3 साल पुरानी एक बॉटल है, और 3 साल से इसमें ये मॉस रोज इसी तरीके से ग्रो हो रही है, और अभी तक ना मैंने 3 साल में इसकी मिट्टी चेंज की ना कुछ किया, और ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रो हो रही है। और ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन तो मैंने बहुत सारी लगाई है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटे से छोटे पॉट को ये बिल्कुल कवर कर लेती है, आप जहाँ पर इसको लगाते हैं वो पॉट आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखिए, ये लगाई हुई है मैंने रियो प्लांट, ये भी काफ़ी अच्छा चलता है वेस्ट चीज़ों में।
और ये है एक च्यवनप्राश का डब्बा, इसमें मैंने लगाया हुआ है पेंसिल कैक्टस, ये भी इसमें अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये है मदर्स ऑफ मिलियंस का प्लांट। और देखिए दोस्तों, जो भी कलर के डब्बे आते हैं उनमें आप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप मानेंगे नहीं लेकिन 3 साल से जो ये पैकेट है इसमें ये प्लांट लगा हुआ है। और जो ये पैकेट है ये है जो 1 किलो की नमकीन की पैकेट आती है उसमें, ये देखिए। और ये इतना खूबसूरत लगता है जब इसमें ढेर सारे फ्लावर खिलते हैं, और आगे से देखने में पता ही नहीं चलता कि हमने ये लगाया किस में है। जब मैं इसको पलटाती हूँ तब पता चलता है कि ये तो पैकेट में लगा है, और 3 साल से ये प्लांट इसी पैकेट में है और बहुत ही अच्छे से ये इसमें ग्रो हो रहा है। तो इस तरह के पैकेट का हम यूज कर सकते हैं। मैंने तो अपने घर में आने वाले जो कुल्लड़ होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा है। ये देखिए, इसमें भी मैंने टर्टल वाइन लगाई है। और जो ये कुल्लड़ होते हैं ना, ये पोरस होते हैं मिट्टी के बने हुए, तो इनमें जो कटिंग है बहुत अच्छे से ग्रो होती है। ये देखिए, इसमें कैक्टस लगा है, इसमें जेट प्लांट की कटिंग लगी हुई है, ये भी प्लास्टिक की एक बॉटल है। तो हमारे घर में जितने भी कलर के डब्बे आते हैं, या फिर बिस्लरी की बॉटल्स हो गई, या फिर ऑयल के छोटे छोटे 1-1 लीटर के डब्बे हो गए, मैं सब में प्लांट लगा देती हूँ। और ये सारे के सारे प्लांट बहुत अच्छे से इनमें ग्रो होते हैं। चाहे तो आप पानी में लगा लें या फिर मिट्टी में लगा लें, सब में प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है PVC पाइप, इनको मैंने 6-6 इंच की लंबाई में कट कर लिया था। और इनके नीचे मैंने जो गमले रखने की ट्रे आती है उनको मैंने रख दिया था। और इसमें मिट्टी भर के मैं हर साल सीजनल फ्लावर लगा देती हूँ, और इसमें भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। चाहे PVC पाइप पतला हो या मोटा हो, आप किसी में भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये हैं थर्माकोल के जो डब्बे आ जाते हैं जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं उसमें, और इसके नीचे कोई होल नहीं है, तो इसमें मैंने एक पुरानी कटोरी रखी है कि जिससे कि ये थोड़ा सा तिरछा हो जाए और जब ज़्यादा बारिश आए तो जो पानी है वो ऊपर से निकल जाए। और इसमें भी मैंने मॉस रोज लगाए हैं और बहुत अच्छे से इसमें मॉस रोज चल रहे हैं। और इस तरीके के जो कनिस्टर होते हैं ऑयल के, ये तो सभी के घर आते हैं, इसमें आप कोई भी बड़े से बड़ा प्लांट लगा सकते हैं। और प्लास्टिक के छोटे बड़े कोई भी डब्बे हैं, आप उनमें कोई भी फ्लावर लगाइए, बहुत अच्छे से चलते हैं। कुछ भी नहीं तो आपके घर में पन्नियाँ आती हैं, चाहे ऑनलाइन की आए या कैसी भी आए, उनमें भी आप फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं। हमारे घर में जो भी डस्टबिन हो, चाहे कोई भी बॉटल हो, मैं सब में प्लांट ग्रो कर देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है उन चीज़ों को बाहर फेंकने से अच्छा है आप उस प्लास्टिक को मैनेज करिए। देखिए, प्लास्टिक बनने से तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो प्लास्टिक है उसको हम अपने घर में मैनेज करने से, जो बाहर इतना कूड़ा हो जाता है प्लास्टिक का, उसमें कुछ ना कुछ ग्रो करिए। चाहे सब्जी ग्रो करें या फिर फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करें, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।